आओ दिनेश आइए काका हम लोग आइए। फिल्म लाउड नेशन के लिए हम बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दर्शक भाई बहुत ही मेहनत से, बहुत ही खर्चा करके उन्होंने बहुत लगन से फिल्म बनाई है, हम सब उसका हिस्सा है। हमको फख्र है जिस तरह से, जिस थीम को लेके ये चले हैं उससे जुड़ने के लिए। चलो चलो ठीक है, चलो चलो देखना का बताइए मिलिंद सर, गोविंद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लव नेशन जब मैं नाम सुनता हूँ तो एहसास होता है कि ये मुल्क से मोहब्बत की बात है। आप दोनों से जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, आप इस फिल्म से दोनों जुड़े हुए हैं और अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। लव नेशन एक ऐसी थीम को लेके हमारे ये फिल्म प्लान की और डायरेक्ट की, तो हमारे देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर फूटती है और इस तरह की थीम के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ने के लिए हम बिल्कुल अपने आप को गर्वित महसूस करते रहे जब जब भी हमने जितनी भी शूटिंग की, और अभी भी मैं हम फख्र महसूस करते हैं कि मिस्टर बशीर जैसे शख्सियत देश को लेके, आजकल तो क्या है कमर्शियलिज्म इतना हावी है पूरी दुनिया में कि लोग इस तरह से देश की परवाह करते कहाँ हैं, लेकिन इन्होंने परवाह की है, इन्होंने रिस्क लिया है। आप जानते हैं करोड़ों रुपया लगता है एक फिल्म में, इन्होंने रिस्क लेके ये फिल्म बनाई है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। पब्लिक को समझ में आए देशभक्ति का जज्बा और ये फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाए, उससे कामना करते हैं। इस फिल्म के माध्यम से मिस्टर बशीर का नाम पूरी दुनिया में, ऐसा वैसी मेरी कामना, ऐसी भी शुभकामना। मिलिंद सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी वही शुभकामना है इनके लिए, ऐसे पैशनेट फिल्म मेकर्स होने चाहिए। मुझे लगता है कुछ 5-6 सालों से फिल्म चल रही है और इतना इतने लंबे दौर में टिके रहना, फिल्म को ख़त्म करना, सब आर्टिस्टों को इकट्ठा करना, उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे धर्मपाल जी इसमें, गोविंद जी हैं, तो दीपक पराशर जी हैं, तो ऐसे सब लोगों को ला के वो फिल्म बनाना, फिर उसके ऊपर ग्राफिक पे इतना खर्चा करना, तो ये मतलब सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से किया है, तो मेरी बहुत सारी उनको शुभकामनाएं। एक पैशनेट व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता है इसमें, पैशनेट पैशन फिल्म मेकर। तो अभी इसमें मैं कर रहा हूँ एक साइंटिस्ट का रोल, जो कि न्यूक्लियर जो कुछ हो रहा है उस पर, उसके बारे में वो काफ़ी उसे लगता है कि ये सब खत्म होना चाहिए, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, तो एंटी न्यूक्लियर बनाने का वो उसका मानस होता है और वो उस तरीके से कुछ रिसर्च करता है और काफ़ी पावरफुल सेंट्रल का कैरेक्टर इस फिल्म में, और काफ़ी मज़ा आया इस फिल्म में काम करते हुए। दिग्गज कलाकार और गोविंद जी तो क्या, हम लोग अभी अब भी गए हफ्ते साथ में थे, उसके पिछले वाले मैंने भी साथ में थे, लगातार हम लोग साथ में साथ में कुछ क्या होता पहुँचते, 5वां प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ 15-20 प्रोजेक्ट्स हमारे हो गए साथ में। लास्ट पड़ी थी बुलबुलिया 2, तो बहुत पुराना ही हमारे ताल्लुक है और मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, मुझे इनके साथ काम करने में मज़ा आता है। फिर धर्मपाल जी थे, उनके साथ काम करना एक अलग ये उसमें मतलब ऑनर है। बहुत साल पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, केसी बोकड़ी, एक जुर्मो सितम, वो हैदराबाद में की थी, तो उसके बाद मेरे हिसाब से डायरेक्ट ये फिल्म बशीर भाई के कारण मुझे मौका मिला करने के लिए। मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनी है, लोगों को देखने में मज़ा आएगा। आखिरी सवाल आप दोनों से, जैसे आप गोविंद सर जिक्र कर रहे थे कि बड़ा पैसा लगता है एक फिल्म बनाने में, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बहुत मैन पावर लगता है, कमर्शियल लगता है, और देश से मोहब्बत करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है, कितनी ज़रूरी है इस तरह की फिल्मों का आना आज की तारीख में कि मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से वफादारी बड़ी ज़रूरी। अभी तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी बेसिस पर इस तरह की फिल्में, जिस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह के प्लॉट्स आने चाहिए, जिस तरह का माहौल हमारे देश में या पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल एकदम से क्रिएट हो गया है, उसके मद्देनज़र इस तरह के प्लॉट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स बार बार आने चाहिए, बार बार लोगों के अंदर होता है, लेकिन जब तक हम जगाएं ना वो बाहर आता नहीं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है और
बाकी मीडिया में आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस जज्बे को बाहर निकालने की कोशिशें करें। अनिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं जी, ज़रूर, कोई भी पैट्रियाटिक फिल्म होती है तो उसमें काम करने में एक ऑनर महसूस होता है, तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रोल सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके दोनों दिग्गज आर्टिस्ट आपके साथ हैं, और क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको आइडिया है इस फिल्म को बनाने का? ये फिल्म दरअसल मेरे दिल और मेरे रूह की आवाज़ है, एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए। आज दुनिया, तमाम देश, जितने भी दुनिया के देश हैं, परेशान हैं न्यूक्लियर को लेकर। अगर न्यूक्लियर चलेंगे तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, और ऊपर वाले की इस बनाई हुई दुनिया को तबाह करने का इंसान कोई हक नहीं पहुंचता। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट पर मैंने काम किया कि ये बात पहुंचा दूं कि न्यूक्लियर को दुनिया से ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में मिलन जी ने एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर किया जो एंटी न्यूक्लियर पे काम करते हैं, दुनिया से न्यूक्लियर को ख़त्म करने के लिए एक फार्मूला बनाते हैं। और गोविंद जी ने इस फिल्म में डिफेंस मिनिस्टर का काम किया जो अपने बल के ऊपर बगैर किसी पार्टी की सपोर्ट के भी ये इस काम में जूझ जाते हैं और काम को कामयाब करने की कोशिश करते हैं, और ये परमिशन दिलाते हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर को ख़त्म करने के लिए एंटी न्यूक्लियर बनाया जाए। ये अपने रिस्पांस पे पूरी फिल्म को पेश करते हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर ख़त्म होना चाहिए, अगर न्यूक्लियर वाकई चलेंगे तो दुनिया को बर्बाद हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मेरे अंदर था, जो मैं अपने आर्टिस्टों के ज़रिए पेश करना चाहता हूँ। मिलिंद सर, गोविंद सर, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि ये पैगाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों इस पैगाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बसित अहमद खान, मिलिंद गोनान जी बराबर में बैठे हैं, गोविंद रामदेव सर इधर हैं, क्या आप मानते हैं कि यही हिंदुस्तान की, भारत की, इस मुल्क की खूबसूरती है? यही तो खूबसूरती है हमारा देश। हमारा देश इस बात में बिलीव करता है कि पूरे विश्व में शांति, विश्व शांति का पैगाम लेके हमारा पूरा, अगर हम देखें तो हमारा सनातन धर्म यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में खुशहाली हो और हर व्यक्ति खुश हो, ये हमारा पैगाम है। सो इस ये और इसी पैगाम को ये सपोर्ट करता है इनका ये सब्जेक्ट, और इनके सब्जेक्ट को हमारा पैगाम सपोर्ट करता है। मिलन सर, आप? जी हाँ, मतलब ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है पूरी दुनिया को ओवरऑल, उस पर मुझे लगता है इस तरीके का काम अभी तक किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है। मुझे लगता है बसित भाई आप पहले होंगे ना ऐसे? जी हाँ, पहली बार कोशिश की है, और ये अच्छी कोशिश की है, और मुझे लगता है ज़रूरी थी। थैंक यू। उनका इसी सब्जेक्ट की वजह से हम इनसे जुड़ गए एकदम, क्या इस तरह से किसी ने सोचा नहीं, इस तरह का प्लॉट किसी ने अभी तक हमको, या हमने कहीं ना तो कब पढ़ा और ना हमने इस तरह की बात कोई सुनी कि न्यूक्लियर को फाइट देने के लिए कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन बनेगा या बनेगा, बनने की एक कोई कल्पना भी नहीं है। इन्होंने एक कल्पना साकार, इन्होंने कल्पना रखी है, हमने साकार करने की कोशिश की है। बस सर, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, लोगों से? बस यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें और मेरी हिम्मत अफजाई करे, और इस पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाए, और आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। अगर किसी ने नहीं बनाया है एंटी न्यूक्लियर दुनिया में, तो इस फिल्म को देखने के बाद वो कुछ ना कुछ कोशिश करे ताकि दुनिया से न्यूक्लियर ख़त्म हो जाए। आखिरी सवाल आपसे बसित सर, इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है फिल्म, क्या आपको नहीं लगता कि आपको सरकार को, स्टेट को या केंद्र सरकार को अप्रोच करना चाहिए कि फिल्म को टैक्स फ्री करा जाए? जी हाँ, वो तो मैं अभी शुरू करूँगा, अभी अभी दिमाग में आया कि ये चीज़ होनी चाहिए टैक्स फ्री कराने के लिए, मैं जो भी कोशिश है वो शुरू करूँगा, और बहुत जल्द ही रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो इसके लिए टाइम बहुत कम है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा फिल्म रिलीज होने के बाद भी टैक्स फ्री हो जाए। तो हर साइंटिफिक लेवल पे इस फिल्म का मैसेज तमाम दुनिया के लोगों, स्टूडेंट्स के लिए ये है, अगर बन चुका है तो बहुत अच्छी बात है दुनिया में, मगर बना नहीं है, और आगे कोई ना कोई इसको बनाना चाहिए, न्यूक्लियर दुनिया से ख़त्म करने का फार्मूला, जिसको बहुत से देश मना भी करते हैं, रोकते भी हैं। इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई है,
जिस पे मैं तफसील से डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बस फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है। और मैं ये साबित करना चाहा कि हिंदुस्तान साइंस की दुनिया में सबसे आगे है, हमारा देश सबसे आगे है, यहाँ के साइंटिस्ट सबसे आगे हैं, दुनिया के हर चीज़ का एक नया रास्ता दिखाते हैं कि कैसे ख़त्म करें, ये मेरा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।